मुंगेर में खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। तारापुर में प्रहलाद कृषि केंद्र के द्वारा खाद की कालाबाजारी किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जहां रात के अंधेरे में मिनी वैन से 40 बोरा कई प्रकार का खाद कहीं भेजा जा रहा था, जिसे अपर थाना अध्यक्ष अजितेंद्र कुमार के नेतृत्व में वाहन सहित जब्त कर लिया गया है, जबकि दुकानदार प्रहलाद मांझी भागने में सफल रहा। वही तारापुर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि दुकानदार रात्रि में खाद निकाल कर कहीं भेज रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही दुकान को सील भी कर दिया गया और साथ ही स्टॉक रजिस्टर नहीं मिलने से पता नहीं चल सका कि कितनी बिक्री हुई है और कितना बचा है। दुकानदार के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। दुकान से वितरण पंजी और पॉश मशीन जब्त किए गए हैं। मामला है उनके द्वारा रात्रि में खाद निकाल करके कहीं भेजा जा रहा था, इसलिए गाड़ी पकड़ करके लाया गया था थाना के द्वारा। उसके बाद उनका आज दुकान जा करके सील कर दिया गया था। सामान तो बहुत ज़्यादा था, जिसका गिनती नहीं हो पाया कि कितना उनके पास खाद है। स्टॉक मिलता तब उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते कुछ कि कितना उनका सेल हुआ है और कितना उनके स्टॉक में बचा हुआ है। क्या कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर? कार्रवाई क्या हो, अभी तो FIR का मामला बनता है, इसलिए FIR किया जाएगा। आपको बता दें कि शाम के 5 बजे के बाद रासायनिक खाद या फिर दवा बेचना प्रतिबंधित है। विशेष परिस्थिति में अगर निर्धारित समय के बाद बेचना आवश्यक हो तो प्रतिनियुक्त किसान सलाहकार, कृषि समन्वय आदि की उपस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। मुंगेर से बोलता बिहार के लिए अमृतेश सिन्हा की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।